लिखो भाई जल्दी लिखो। बोले आपने हो जाएगा इस तरह की प्रॉब्लम कर लेंगे। हाँ ये है ऊपर से देखो तो बोलिए 5 और 2 लगाएंगे तो ये 5 ये सर्कल होगी। ये वाला सर्कल है इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया में से। ये रेडियस 65 और इसकी विड्थ भी 5। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 5 r² मतलब 10 का स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट तो ये इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये और एक वापस से मैं बता देता हूँ कौन सा सर्कुलर वाला वो 5 पॉइंट वो भी इम्पोर्टेंट। ये दो तरह की प्रॉब्लम पक्का मैं भी दूंगा। चलिए बताओ दोनों टाइप की प्रॉब्लम आपकी आएगी पक्का। नेक्स्ट देखिए वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ फाइव किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। टू अ पाइप ऑफ डायमीटर फोर्टीन सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक which is 50 meter long and 44 meter wide। 50 meter long and 44 meter wide। Determine the time. In which level of water rises by 7 centimeters. Level of water rises by 7 centimeters. यहाँ पर बिल्कुल सभी प्रॉब्लम एक ही तरीके की होती है। इस तरीके जितनी भी प्रॉब्लम सभी प्रॉब्लम एक जैसी होती है। आप क्या करेंगे सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो लिखेंगे। रेट ऑफ फ्लो क्या है आपका 5 किलोमीटर पर आवर। रेट ऑफ फ्लो 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये पानी कहाँ से निकल रहा है? पाइप। ये पाइप से पानी निकल रहा है। इसका ये क्या है सर्कुलर क्या पता क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका डायमीटर कितना है 14 तो रेडियस कितना होगा इसका? तो आप इसको बोलोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पॉइंट। क्या बोलोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पॉइंट। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पॉइंट
This is equal to 5 R square. 5 R square. 5, 22 by 7, or R 7 into 7. Look at this. एक काम करो 5 किलोमीटर पर आवर को यहां पे क्या लिख लो 5000 मीटर पर आवर और यहां पर आप इसको मीटर में लिखो 154 डिवाइड बाय 10000 मीटर मीटर्स दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मीटर ये सभी चीज मीटर में तो मीटर में क्या होगा 154 बाय 10000 मीटर्स ये समझ में आ गया क्रॉस सेक्शन ले अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस थ्रू पाइप इज वन आवर भाई एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 5000 एक आवर को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इक्वल टू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस थ्रू पाइप इन वन आवर 154 divided by 10,000 into 5,000. 77 meter cube. ये पूरा वाला volume निकला और एक घंटे में. कितना घंटे में निकला? एक घंटे में. 77 meter. मैं मान लेता हूँ पानी कितनी देर तक चला? 3 hours. Then pipe runs for 3 hours. So therefore, volume of water in P hour, volume of water flows through pipe in P hour. Seventy-seven P meter. अब ये पूरा पानी कहाँ जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर बेसिन. रेक्टेंगुलर बेसिन. लेंथ कितनी? ब्रेड 40 और हाइट 7. तो हाइट होगी बेटा 7 सेंटीमीटर मतलब 154 मीटर 7 सेंटीमीटर को मीटर में 7 सेंटीमीटर ही है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 बाय 100 ये मीटर है ये मीटर है ये सेंटीमीटर है ना कोडिंग टू प्रॉब्लम दोनों कोडिंग ऊपर हम कितना घंटा आ गया तो पानी कितने घंटे तक So water runs for 2 hours. तो आप इससे बोल रहे हो इसी में से दूंगा Thank you.